अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी मशहूर जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है खानपुर डैम के नाम से, उधर मैं जा रहा हूँ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उधर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और उसके बाद क्या प्राइस हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं खानपुर डैम में और उधर विज़िट करना चाहते हैं तो वो ये वीडियो और ये व्लॉग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये है कि तकरीबन इस्लामाबाद से खानपुर डैम का जो फासला है वो 45 मिनट का, आप टेक्सला के थ्रू जाते हैं और एंड पे जो है आप नेशनल हाईवे 125 जो है उसमें आप इंटर हो जाते हैं। एक शॉर्ट डिस्टेंस है, इतना टाइम नहीं लगता और आप जो है 45 मिनट में आप खानपुर डैम जो है वो पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों खानपुर डैम पर हम पहुँच गए हैं, आपको मेरे सामने जो है ये खानपुर डैम नज़र आ रहा है, काफ़ी जो है अच्छा व्यू आ रहा है। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये वीकडे है तो इसमें जो है इतना रश भी नहीं है, आपको आराम से पार्किंग भी मिल जाती है और उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ भी जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो वीकेंड पे आते हैं। तो आपको ये मेरे सामने जो है खानपुर डैम जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है एंट्रेंस पॉइंट है, ये आपको सारी तरफ जो है ये खानपुर डैम का जो है आपको व्यू नज़र आ रहा है। तो जैसे मैं पहले बताया कि वेदर काफ़ी अच्छा है और उसके बाद ये वीकडे है तो वीकडे पे जो है वो रश कम होता है। अब हम जा रहे हैं नीचे जहाँ जो है हम बोट लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं। जो मेन एक्टिविटीज़ खानपुर डैम पे अवेलेबल हैं वो बोटिंग है, जेट स्की है, उसके बाद पैरासेलिंग है, क्लिफ डाइविंग है और हॉर्स राइडिंग है। तो अभी हम जो है वो पहले तो है बोर्ड लेके एक दूसरी जगह उसकी तरफ जाएंगे जहाँ जो है पैरासेलिंग भी है और हॉर्स राइडिंग भी है। तो जो बोट का राउंड ट्रिप है ये है 3500 रुपीज़, ये आपको जो है 5-6 आदमियों के लिए ये बोट जो है ये काफ़ी होती है और ये तकरीबन 15 मिनट में आपको दूसरी जगह ले जाती है जहाँ पैरासेलिंग भी होती है और उसके बाद जो है हॉर्स राइडिंग भी होती है और फिर वापस ले आती है। तो ये राउंड ट्रिप है, तो ये इसकी जो प्राइस है वो है 3500। दोस्तों अब मैं दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया और आप जो है मैं पैरासेलिंग करने लगा हूँ।
अब ये मुझे जो है वो पैराशूट के साथ जो है स्लिंग्स अटैच करेंगे, तो इसकी जो पैरासेलिंग की प्राइस है वो है 4000 रुपीज़ पर पर्सन, और नॉर्मली 5 से 7 मिनट लगते हैं इस पूरी जो है एक्टिविटी को। तो ये काफ़ी अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटी है। और एक और जो एक्टिविटी है वो है हॉर्स राइडिंग की, तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट की आपको हॉर्स राइडिंग करवाते हैं और 500 रुपीज़ जो है पर हॉर्स राइडिंग जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है जब आप खानपुर डैम पे आएँ और आप जो है ये एक्टिविटी भी इधर कर सकते हैं। जेट्स की भी अवेलेबल है इधर खानपुर डैम में, आप वो भी ले सकते हैं। उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 800 रुपीज़ से अप टू 3000 रुपीज़ तक जाती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। ये अच्छी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा खानपुर डैम का, प्राइसेस भी जो हैं अफोर्डेबल हैं और अच्छा जो है काफ़ी व्यू है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।